जब भैया भाई ने कह दिया कि 1-2 साल में शादी हो जाएगी तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। अच्छा है उमेर और कदम जमा ले बिजनेस में, करोड़ों की जगह अरबों में खेलना। लाखों करोड़ों और अरबों तो क्या, मैं चंद रुपयों में भी आपके मंसूबों पर चलकर कभी नहीं खेल सकूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उमेर ने भैया मामू से ये सब कुछ कहा होगा। मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि ये सब कुछ भैया मामू की प्लानिंग है। भैया मामू ये सब क्यों करेगा भाई? क्यों, वो कहाँ के फरिश्ते हैं? वो किस हद तक गिर सकते हैं ये बात हम दोनों उससे बेहतर है और कौन जानता है। देखो ये रिश्ता होने में ना भैया मामू का ही फायदा है, इसलिए वो भला ये सब क्यों करेगा। ये आप नहीं समझ सकेंगे और ना शायद मैं। जैसे जादूगर की जान तोते में होती है, उसी तरह भैया मामू की जान उमेर में। भैया मामू की तिजोरी की चाबी उमेर है और वो ये चाबी किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, मेरे साथ भी नहीं। उफ, बहुत ही मुश्किल बातें हैं भाई। इतना दिमाग या तो तुम्हारे भैया मामू का चल सकता है या फिर तुम्हारा। अपने पल्ले नहीं पड़ती ये बातें। मगर मेरे पल्ले अब सब पड़ रहा है, आधी रात गुजर गई है, शादी और रह गई है, वो भी गुजर जाएगी। पता नहीं भाई, इस कदर जल्दी किस बात की है, तसल्ली करो।